it popping to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Hey guys, welcome back to my other vlog. तो मैं आज आई हूँ महादेव घाट के गार्डन में, जो कि पड़ता है लक्ष्मण झूला के दूसरी तरफ. वैसे इसका फर्स्ट व्लॉग भी मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने महादेव घाट दिखाया है. एंड महादेव घाट से ये पीछे देख सकते हैं जो ब्रिज है, इसे बोलते हैं लक्ष्मण झूला. एंड इसके दूसरी तरफ आते ही पड़ता है ये सुंदर सा गार्डन. तो चलो आज हम करेंगे इसी को एक्सप्लोर. तो मेरे पीछे ही जस्ट है ये महादेव घाट, जहाँ पर हमने मंदिरों के दर्शन किए थे हमारे फर्स्ट व्लॉग में. एंड आज हम बनाएंगे उसके जस्ट सामने इस गार्डन का व्लॉग. तो ये है गार्डन का एंट्रेंस. एंट्री होगी यहाँ से, इस पतले से गली टाइप के एरिया से. एंड देखते हैं, वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ यहाँ पर, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या चीज़ें कैसी है. तो ये देखो, यहाँ वैसे बहुत सुंदर सुंदर तरीके से बनाया गया यार. ये सुंदर सुंदर इतने शंख हैं. देखो वैसे काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है. ओहो ये बहुत अच्छा है. देखो शंख बड़े प्यारे प्यारे एकदम सुंदर सुंदर कलर्स के हैं. ये है गुफा, छोटी सी गुफा बट अच्छी है काफ़ी. एंड ये कौन है भैया, झिंगा लाला हूँ यहाँ पर बना गया है. अच्छा है वैसे ये गार्डन, काफ़ी सुंदर लग रहा है. मतलब यहाँ पे अट्रैक्टिव चीज़ें रखी गई है कि देख के थोड़ा सा मज़ा आए, दोबारा आने का मन करे. जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट में ही सबसे अच्छा उन्होंने गुफा बना दिया है, शंख रखे हैं, छोटा सा ब्रिज है, तो बहुत अच्छा है वैसे. ये है छोटा सा डोम. ओके ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है. वैसे ये गार्डन काफ़ी लंबा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा गार्डन आप लोगों को अच्छे से घुमाऊँ एंड खुद भी इंजॉय करके घूमूँ. एंड इस गार्डन के जस्ट बगल में ये नदी, जो महादेव घाट वाली नदी है, जो कि जाकर मिलती है वहाँ मंदिर से. एंड यहाँ पर भी बहुत सारे लोग खड़े होकर फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, तो हम पहले चलते गार्डन घूमते हैं. इस गार्डन में एक लॉन्ग वॉकिंग एरिया है विथ लॉट्स ऑफ ग्रीनरी. यहाँ पर जगह जगह यहाँ पर बैठने की सुविधा भी है, वॉशरूम की फैसिलिटी भी है, साथ में आप पानी के सामने भी सीढ़ियों पर बैठ सकते हो. यार ये देखो इस गार्डन का व्यू, लिटरली बेस्ट स्पॉट है पिकनिक मनाने के लिए, कि घर से मस्त पूरी सब्जियाँ बनाओ, आके यहाँ बैठ के इंजॉय करो और खाओ. एंड यहाँ पर बच्चों के झूले भी हैं, जो मुझे भी झूलने का वैसे काफ़ी मन हो रहा है, बट यार बड़ों के लिए भी झूले रखने चाहिए, सिर्फ बच्चों के लिए हैं. आई थिंक ना ये थोड़ा वो वाटर वाले थीम पे ही बनाया गया है, झरने वरने वाला. मतलब झरना वरना भी है, जलपरी है, शंख है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए, घूमने के लिए. ये गार्डन लिटरली काफ़ी लंबा है यार, मेरे को लग रहा है मैं 1 किलोमीटर चल रही हूँ क्या गार्डन के अंदर अंदर ही. तो हम आए थे उस तरफ से एंड अभी दूसरे वाले तरफ से जा रहे हैं. एंड यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं. जिम एरिया भी बना हुआ है छोटा सा, यहाँ पर जिसको भी करना है भैया बैठ के बना लो अपनी बॉडियाँ. एंड सामने फिर खाने का भी है कि अच्छा ठीक है पहले खा लो कैफेटेरिया में, देन डाइजेस्ट करो. चलते कैफेटेरिया में, देखते हैं कि क्या है हमारे बजट में. तो ये सब वैरायटी है यहाँ पर, पकौड़ा, समोसा. वैसे मैंने एक प्लेट समोसा ले लिया है अपने लिए. वैसे काफ़ी बजटफुल कैफेटेरिया यार, मेरे बजट में ही चीज़ें आ गई हैं. एंड अभी जा रही हूँ मैं कैफेटेरिया के जस्ट ऊपर, बैठ के खाने के लिए जगह है तो वहीं जा रही हूँ. देखती हूँ ऊपर का व्यू भी देखेंगे ऊपर से, एंड साथ में ये गर्मा गर्म समोसे भी खाएंगे. मेरा हाथ जल रहा है लिटरली पकड़ के. वैसे ये 25 रुपये प्लेट है, पकौड़े भी थे यहाँ पर, बट मैंने बोला चलो समोसा फेवरेट है वही लेते हैं. देख सकते हो मेरे पीछे का व्यू, बड़ा ही सुंदर है यार, चारों तरफ गार्डन गार्डन. तो ये है सामने का व्यू, एंड यहाँ से पूरा गार्डन का व्यू भी दिखता है, हरा भरा गार्डन. एंड साथ में हमारे ये गर्मा गर्म समोसा, और क्या चाहिए. अभी फ़िलहाल वैसे ये बंद है थोड़ा सा, यहाँ पे चेयर्स अभी साइड बाइड में ही है, बट यहाँ बैठने के लिए सीढ़ियाँ भी है बहुत सारी. एंड यहीं पे खा रही हूँ. एंड अभी यार लिटरली आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, सो चलो लेट्स ट्राई कि कैसा है इसका स्वाद. अच्छा है, मतलब 25 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, एंड काफ़ी गर्म भी है. पेट पूजा करके हम चले वापस नीचे. लिटरली ये गार्डन इतना बड़ा है ना यार कि आप थक जाओगे, मेरे पैर भी दुख चुके हैं. वैसे मैं तो वापस सी की तरफ मुड़ चुकी हूँ वैसे, एंड जाते जाते लिटरली पैरों की बैंड बज गई भैया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है. पहले मंदिर है, मंदिर के बाद वो महादेव घाट का लक्ष्मण झूला है, देन ये गार्डन है, इसलिए काफ़ी लंबा पड़ जाता है.
वैसे घूमने के लिए जगह अच्छी है। वैसे ये मंगलवार को बंद रहता है लक्ष्मण झूला, ये गार्डन मंगलवार को बंद रहता है। इसकी टाइमिंग शाम को 3 बजे से 6 बजे तक की है। सो ये है कैफेटेरिया इस गार्डन का, एंड इस कैफेटेरिया के दोनों तरफ ये जिम बनाए गए। नहीं पता क्यों भैया, अगर कोई जिम करेगा तो फिर खाए गए क्यों तेल वाली चीज़ें। हाँ, खाने के बाद जिम ज़रूर कर सकता है। वैसे मैंने पहली बार रायपुर में इतने बड़े एरिया में कुछ बना हुआ देखा है, बिकॉज रायपुर एक ऐसी सिटी है ना कि यहाँ पर बहुत भरी हुई, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सिर्फ दुकानें दिखती है मुझे। फर्स्ट टाइम मैं इतने बड़े एरिया में कोई गार्डन देखी हूँ अभी। वैसे गार्डन के सामने जो झील है, यहाँ पर भी आपको बोटिंग के लिए देखो बोट्स लगी हुई है, सुंदर सुंदर काफ़ी बोट्स लगी हुई है, एंड बड़े अच्छे गाने भी बज रहे हैं, बड़े अच्छे से सजावट भी है इनकी, सॉरी सजावट। तो थोड़ी देर यहीं पे बैठती हूँ एंड करती हूँ इंजॉय गानों को। यार ये मेरे जूतों का बड़ा दिक्कत है, अगर मैं गलती से भी बिना मोजे के पहन लेती हूँ ना तो ऐसे ही बाहर झांकने लगते हैं, देन मुझे फिर से इसको एडजस्ट करना पड़ता है। यार जा भाई अंदर, चलो अब चलते हैं यहाँ से आगे, क्योंकि अब धीरे धीरे शाम भी ढल रही है, अंधेरा हो रहा है। ओके, तो हम अब निकल रहे हैं गार्डन से बाहर। गार्डन की वैसे सारी लाइटें भी चल चुकी है। वैसे सामने लिखा था कि 6 बजे तक का ही टाइमिंग है, बट मेरे ख्याल से और भी लेट खुला रहता है, बिकॉज बहुत सारे लोग तो अभी घूमने के लिए अंदर जा रहे हैं, एंड नाइट व्यू भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का। सो ये है एग्जिट, एंड इसके जस्ट बगल में ही है हमारा लक्ष्मण ब्रिज, तो हम चलते हैं उस पार। वैसे ये ब्रिज यार लिटरली शाम को और भी सुंदर दिख रहा है लाइटिंग जलने के बाद, एंड मैं आप लोगों को नाव दिखाती हूँ। नाव तो भैया एकदम सुंदर लग रहे हैं, लुक एट द ब्रिज, बहुत ही सुंदर है। तो ये है शाम का नज़ारा जब सारे नाव ने अपनी अपनी लाइटें जला ली है, एंड कितना जगमग, लिटरली ऐसे दिवाली वाला माहौल लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड अभी देख सकते हो कि बहुत सारे लोग दूसरी तरफ जा भी रहे हैं, एंड अभी मैं जा रही हूँ वापसी। तो अभी मैं तो जा रही हूँ वापस अपने घर, एंड मैंने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय कर लिया है, आई होप आपने भी किया होगा। एंड अगर किया और ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। I'm just as surprised.